हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। चलिए हम आज के ट्यूटोरियल का आगाज़ करते हैं। HTML का ट्यूटोरियल बनाना है आपका। आप लोगों ने बहुत अच्छे से काफ़ी कुछ सीख लिया है फॉर्मेटिंग के बारे में, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में ना आया हो। आज मैं आपको एक बार सारे टेक्स्ट का रिविज़न करवा रही हूँ, जिनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले मैं आज आपको फॉर्मेटिंग टैग बता रही हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं। जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाए हैं उनके बारे में मैंने अभी नहीं बता रही हूँ, जो पढ़ाए हैं वो। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि सबसे पहला टैग आप यूज़ कैसे, जब भी कोई फाइल बनाएंगे कौन सा करेंगे, HTML लेस, HTML ग्रेटर। और जब इसी को क्लोज करते हैं तो इसमें क्या लगाते हैं, लेस स्लैश HTML ग्रेटर। और HTML के बाद HTML टैग अभी तो क्लोज नहीं होगा, पहले तो ओपन ही टैग खुलेगा, है ना। तो ये तो बात आपको पता ही होगी, सबसे पहले तो टैग खुलेगा कौन सा, लेस HTML ग्रेटर। फिर उसके दूसरा टैग जो हम लगाते हैं कौन सा, हेड टैग, जो आपको बताया नॉन विजिबल टैग है, लेस हेड HEAD ग्रेटर। और सब में लेस ग्रेटर की एक ही कमांड रहती है, शिफ्ट कॉमा और शिफ्ट डॉट। तीसरा टैग क्या होता है, लेस टाइटल ग्रेटर, यानी लेस तो आपको बताया टाइटल TITLE और फिर ग्रेटर। और जो भी टाइटल आपको देना है, जिस तरह की फाइल बनानी है उस तरह की आप फाइल का वो आप जो है वो टाइटल दें जो आपको फाइल बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइटल देने के बाद लेस लेस टाइटल ग्रेटर को बंद कर दें। और हमेशा याद रखना है आपको कि टाइटल के बाद आप क्या करेंगे, हेड टैग को क्लोज करेंगे, लेस हेड ग्रेटर, ठीक है। लेस हेड लेस स्लैश हेड ग्रेटर कैसे क्लोज करेंगे, लेस स्लैश हेड ग्रेटर, यानी आपने HTML टैग को भी क्लोज नहीं किया, दूसरा हेड टैग डाला था, तीसरा टाइटल टैग, लेकिन टाइटल टैग में टाइटल टैग डाल के लेस टाइटल ग्रेटर और टाइटल डाला, फिर लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर बंद कर दिया, फिर आपने दूसरा भी बंद कर दिया, लेस हेड ग्रेटर जो दूसरा डाला था उसको अभी टाइटल के बाद लेस स्लैश हेड ग्रेटर करके बंद कर दिया। अब एक टैग रह गया आपका जो आपने क्लोज नहीं किया, जो लास्ट में क्लोज होगा फाइल के। चौथा टैग के बताया था आपको लेस बॉडी ग्रेटर, जिसको हम क्लोज कैसे करते हैं, लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, लेकिन लेस बॉडी ग्रेटर लेस BODY बॉडी स्पेस, और अब आपको कोई एट्रीब्यूट देना है, बैकग्राउंड कलर स्टाइल कलर बराबर करेंगे, BG कलर कोट में कलर का नाम देंगे, पहले क्या करेंगे लेस बॉडी BODY बॉडी स्पेस, फिर क्या करेंगे BG COLOR और या फिर स्टाइल कलर देंगे तो स्टाइल लिखेंगे COLOR और इज इक्वल टू करके कोट में कलर का नाम ग्रेटर कोट क्लोज, ये करेंगे आप। फिर अब आप जो है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों टैग यूज कर सकते तीनों टैग यूज कर सकती, लेस बी ग्रेटर, लेस आई ग्रेटर और लेस यू ग्रेटर, ये तीनों टैग यूज हो गए। अब जो भी टेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि टफ होता है, जो भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो यहाँ अच्छे से इन्फॉर्मेशन दें, जो भी जिस वेब पेज के बारे में जिस फाइल के बारे में आप लिखना चाहते हैं उसको अच्छे से लिखें। फिर उसके बाद अगर आपने अंडरलाइन किया है तो लेस स्लैश यू ग्रेटर, इटैलिक किया है तो लेस स्लैश आई ग्रेटर, और बी की बोल्ड किया है तो लेस स्लैश बी ग्रेटर, फिर आपको बॉडी टैग लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, और अब लास्ट में लेस स्लैश HTML ग्रेटर। ये ऐसे फाइल को क्लोज करना है। नई फाइल है तो F12 करके क्लोज कर दें, है ना, F12 करके क्लोज मतलब सेव करके, F12 करें सेव आ जाएगा। फाइल नेम हमेशा कैसे देंगे, कोट में देंगे, .html लगाएंगे, सेव टाइप टैप करेंगे तो सेव टाइप आएगा, वहाँ डाउन अरस ऑल फाइल पर रखेंगे, फिर आप ट्रीव्यू पर लोकेशन टैप टैप से जाके ऑर्गेनाइज बटन के बाद ट्रीव्यू मिलेगा, वहाँ लोकेशन दे के सेव कर दें, या फिर आप ट्रीव्यू पे ना जाएं डबल एंटर कर देंगे, अगर आप फाइल टाइप पे ऑल फाइल पे अपना डाउन अरस कर्सर वहाँ रख के दोबारा एंटर कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी, और अगर ट्रीव्यू पे लोकेशन देंगे तो जहाँ आप सेव करेंगे वहीं सेव होगी। अब जब भी आप फाइल को खोलेंगे जो लोकेशन पे है या फिर डॉक्यूमेंट में आपने सेव किया उस फाइल पे एंटर करेंगे, तो वो फाइल पे एंटर करने के बाद आपकी फाइल खुलेगी और उसी ब्राउजर में खुलेगी जो करंटली आपने एक्टिव यूज़ किया था थोड़े दिन पहले या जैसे भी थोड़ी देर पहले, और उसी में आपकी फाइल खुलेगी
और अगर वो फाइल का नाम दिखा रहा है खुली नहीं है तो एक बार और एंटर कर दे फाइल के नाम पे, वो आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल क्रोम जो आप यूज कर रहे हैं ब्राउजर उसी में वो रन करेगी, ठीक है। अब आप किसी को दिखवाएं तो आपकी फाइल आपको बोल्ड भी इटैलिक भी मिलेगी और सीखे बोल्ड इटैलिक, और आपको दिखेगा कि आपने बीजी कलर स्टाइल कलर भी यूज किया है तो स्टाइल कलर, सारी चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। ये आप दिखवा सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे आगे फॉर्मेटिंग चेक वगैरह करने की कमांड, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं धीरे धीरे किस चीज़ को सीख रहे हैं। कल हम क्या सीखेंगे, सिर्फ बीजी कलर और हम स्टाइल कलर की बात नहीं करेंगे, कल सिर्फ हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और फर्स्ट हेडिंग के साथ फाइल कैसे बनाएंगे, यानी एक हेडिंग भी देंगे और फिर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, और परसों हम सीखेंगे अंडरलाइन और तीन हेडिंग के साथ फाइल कैसे बनाएंगे, दो फाइल बनाएंगे करेंगे, आपको बिल्कुल फॉर्मेटिंग ऐसे हो जाएगी पानी की तरह, कभी कोई आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल के इस ट्यूटोरियल में फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।